हाय दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग कर रहा था मिक्सर। मिक्सर वन में हम लोग देखा है मिक्सर का कौन सा बटन क्या क्या काम में लगता है, और मिक्सर से कैसे हम लोगों को एक्चुअली मॉनिटर जो होता है ना, मॉनिटरिंग मिक्सर से कैसे हम लोग कर पाए। तो सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे मिक्सर का व्यूज़ कितना है। पहले वाला व्यू हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है, नियोंडो में ऐसा रहता है। तो इसको देखिए, ये जो एरो है इसको अगर क्लिक करिएगा तो शो मिक्सर एक्सटेंडेड व्यू। ये एक्सटेंडेड व्यू है, मगर इससे भी एक्सटेंडेड होगा क्योंकि इसका चैनल भी दिखना चाहिए। तो ये है फुल व्यू मिक्सर का। तो जितना सारा ट्रैक्स होगा उतना ज़्यादा इधर आएगा फुल व्यू में। तो ये फुल व्यू है। फुल व्यू का अंदर बहुत सारा चैप्टर्स मतलब है बहुत सारा बटन्स है। जो बटन्स व्यू और व्यू होता है, वो बटन्स को क्लिक करने से व्यू होता है, और वो बटन्स को क्लिक करने से फिर से एक बार क्लिक करने से व्यू चला जाता है। ठीक है, पहले जो है क्लियर ऑल व्यूज़, मतलब ये कोई भी व्यू, मतलब मान लीजिए ये व्यू दिखा रहा है। ये व्यू क्या है? इंसर्ट व्यू है। मतलब ये जो हमारा जो इंडिविजुअल इंसर्ट जो है, तो इंसर्ट व्यू है, वही दिखा रहा है। फिर से हम लोग मिक्सर में जा रहा है, और A3 प्रेस करके भी हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए, दो ट्रैक में हम लोग दो रूम वर्क्स लिए हैं, मतलब दो रूम वर्क्स इफेक्ट लिए हैं। तो इसके लिए ये निवेंडो का बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्ब बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मतलब इसका साथ ये लोड करने से ही हो जाता है ये रूम वर्क्स। तो ये लिए है, इसलिए इंसर्ट दिखा रहा है। तो इंसर्ट हो गया। उसके बाद देखिए, ये है इक्वलाइजिंग सेक्शन, मतलब इक्वलाइज अभी तक हुआ नहीं कुछ चैनल में। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको इक्वलाइज कर सकते हैं, इसको ऑलवेज ऑन टॉप कर देता है। उसके बाद इसको ये बटन को प्रेस करके देखिए, अगर हम लोग इक्वलाइज थोड़ा सा करेंगे तो इक्वलाइज का पार्ट चेंज हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, देखिए इको हो गया है। हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिया, लो फ्रीक्वेंसी कम कर दिया है। तो ये इक्यू का पार्ट है। उसके बाद ये है टोटल, आपको ये भी मिल जाएगा, मतलब कार्व मिल जाएगा जो इक्यू हम लोग चेंज किया है, कौन सा ट्रैक पर किया है। मतलब ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्यों हुआ है। ठीक है, फोर्थ है ऑल सेंट्स। सेंट्स मतलब हम लोग अभी तक सेंट्स में कुछ दिया नहीं है। हम पहले ही बोला था सेंट्स में देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक इफेक्ट्स चैनल लेना पड़ता है। तो हम लोग ले लेते हैं एक इफेक्ट्स चैनल। इफेक्ट्स चैनल के अंदर अगर हम लोग एक EQ रखेंगे, तो कोई भी EQ का पार्ट हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। तो इफेक्ट चैनल आ गया है। तो सेंड में अगर हम लोग एक नंबर चैनल में, जिस चैनल में गाना हो रहा है, एक नंबर चैनल में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इफेक्ट्स मिलेगा। तो इफेक्ट्स इसको ऑन करके हम लोग इफेक्ट्स कोई भी इधर से पैटर्न इफेक्ट्स का चेंज कर सकते हैं। ये ऑलवेज ऑन टॉप है बोल के ऐसा दिखा रहा है। इफेक्ट्स को हम लोग इधर से हाई फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको लो फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो हमारा हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडवांस चैप्टर में हम लोग बोलेंगे कैसे कितना से EQ करना चाहिए, और EQ का पार्ट क्या है, मास्टरिंग में EQ कैसे होता है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में किस टाइप के EQ होता है, ये हम लोग एडवांस में बोलेंगे। ये हम लोग अभी दिख रहा है क्या, सबसे जल्दी तरीका से हम लोग कैसे कर पाए सब कुछ। एक्चुअली क्या है, काम जब आप लोग करने के लिए बैठते हैं, तो उस टाइम में अगर आपको कोई भी बटन सब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम थोड़ा बिगिनर्स जो है वो पूरा ख़त्म कर देने के बाद उसके बाद एडवांस शुरू करेंगे। तो यह है EQ, और आठों हम लोग ये सेंड्स चैनल ले सकते हैं, मतलब सेंड में दे सकते हैं। तो इसके लिए आठों हम लोगों के इफेक्ट्स लेना पड़ेगा। तो हो गया ये ऑल सेंड्स, और ये सेंड्स को आधा आधा करके दिखाएगा, एक से चार तक दिखाएगा और पाँच से आठ तक दिखाएगा। उसके बाद देखिए, ये है शो स्टूडियो सेंड्स। ये तो हम लोग बाद में बोलेंगे क्योंकि इसका पार्ट थोड़ा दूसरा चैप्टर के साथ लिंक्ड है, हम बोल देंगे। उसके बाद ये है सराउंड पैनर। शॉर्ट में हम लोग बोल दे रहे हैं सराउंड पैनर का मतलब क्या है, बेसिकली सराउंडिंग करने के लिए होता है ना, बहुत सारा म्यूजिक में, बहुत सारा फिल्म में होता है, कुछ लोग घर का बाहर बात कर रहा है तो पीछे से आ रहा है, कुछ लोग घर के अंदर बात कर रहा है तो सेंट्रली हो रहा है। तो ऐसा टाइप का सराउंड करने के लिए निवेंडो और क्यूबेस हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा मिनिमम साउंड कार्ड होना चाहिए
6 in 6 out, मतलब 5.1 चैनल हम लोगों को मिनिमम लगेगा। 5.1 चैनल का अंदर क्या क्या होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, एक होता है लेफ्ट सराउंड और एक होता है राइट सराउंड, और एक होता है LFE लो फ्रिक्वेंसी इक्वलाइजर। तो ये हम लोग जब करेंगे तो ये पैनल से हम लोग चेंज कर सकेंगे। अभी ये स्टूडियो दिखा रहा है इसीलिए ये मोनो चल लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट मोनो होगा राइट मोनो होगा इस टाइप का। अगर ये चैनल को हम लोग को लेफ्ट में चाहिए तो हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, इसको राइट चाहिए तो राइट कर सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ओनली स्टूडियो होगा, मतलब इसमें सराउंडिंग नहीं होगा। सराउंडिंग करने के लिए आप लोगों को चैनल लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो VST कनेक्शन सेटिंग है इसमें हम लोग अगर आउटपुट चैनल एक एड बास करके, सराउंडिंग का चैप्टर दूसरा है तब भी हम दिखा दे रहे हैं, आउटपुट चैनल करके 5.1 अगर ले लेंगे तो इधर से हम लोग इसको 5.1 से आउट कर सकते हैं और इसका पैनल भी चेंज हो जाएगा। देखिए पैनल चेंज हो गया, तो इसको डबल क्लिक अगर इधर करेंगे तो देखिए ये हमारा पैनल खुल गया है। इसको हम लोग हमारा हिसाब से कहीं भी जगह पर रख सकते हैं। देखिए हम अगर इधर रखेंगे तो जो इधर बैठा है ये भी सुन पाएगा, इधर बैठा ये भी सुन पाएगा, मतलब जो सेंट्रली बैठा है तो उसको सेंट्रल लेफ्ट सराउंड राइट सराउंड अच्छे से सुनाई देगा और लेफ्ट राइट उतना अच्छे नहीं सुनाई देगा। इसके हिसाब से हम लोग पूरा पैनिंग करके, पूरा पैनिंग को चेंज करके मतलब पैनिंग का हिसाब से हमारा जो मिक्सिंग होता है वो मिक्सिंग कर सकता है। तो इसीलिए जो हम लोग ये सिलेक्ट करने से जिसमें हमारा सराउंड पैनल है वो दिखाएगा। और ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है मिक्सर का ये जो पार्ट है, ये है ग्राफ मतलब मीटर। जब ये बजेगा, मान लीजिए ये बज रहा है स्टूडियो करते रहे, मतलब ये कितना दूर तक जाएगा ये हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके बाद अगर जाएगा तो ये साउंड फट जाएगा। तो इसीलिए कोई भी जगह पर इधर ब्लैक जो जगह दिखा रहा है इधर राइट क्लिक करके पहला जो है ग्लोबल मीटर में आप लोगों को आना पड़ेगा, होल्ड पिक्स करना पड़ेगा। होल्ड पिक्स मतलब जब बजेगा देखिए वो पिक ले रहा है, देखिए ये पिक अभी होल्ड करके रखा है, मतलब इतना दूर तक गया है। तो ये देख के हम लोगों को समझ में आ जाएगा जो क्या हो रहा है और इसमें कितना लेवलिंग करना चाहिए और इसमें कितना कंप्रेसर डालना चाहिए और इसमें कितना लिमिटर डालना चाहिए, ये हम लोगों को देख के समझ के करना है। तो इसीलिए उसको लगता है। और उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है इसमें ओवरऑल सब कुछ दिखाएगा, ओवरऑल सब कुछ दिखाएगा। देखिए इंसर्ट दिखा रहा है, EQ दिखा रहा है, सेंड भी दिखा रहा है, ठीक है, पैनर भी दिखा रहा है, लेफ्ट राइट पैनर हो रहा है, मगर ओनली आपका ये नहीं दिखा रहा है, जो EQ हुआ है वो नहीं दिखा रहा है, इंसर्ट नहीं EQ भी दिखा रहा है, दो और एक में EQ किया है ये भी दिखा रहा है, सेंड दिखा रहा है, सब कुछ ही दिखा रहा है इधर से। अगर हम लोग इसको 5.1 कर देंगे तो देखिए इसमें पैनर भी दिखाएगा, हर चैनल को अगर 5.1 कर देंगे तो पैनर भी दिखाएंगे। तो इसको डबल क्लिक करने से वो पैनर खुल जाएगा। तो पैनर का चैप्टर दूसरा है, 5.1 हम पूरा कवर करेंगे, 5.1 कैसे करता है और एक स्टूडियो टाइप का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट लेके ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये और एक ज़रूरी बात है, ये तो मिक्सर का फुल व्यू हो गया, हम लोग इसको राइट क्लिक करके और ऑलवेज ऑन टॉप करके इसमें डाल देंगे तो दूसरा मॉनिटर में चला जाएगा। तो ये कैसे आप लोग कर पाएंगे, मेनली क्या है, देखिए ये जो साउंड ये जो ग्राफिक कार्ड होता है इसको PCI एक्सप्रेस भी बोलता है। तो इसमें क्या है, ये दो वीडियो आउटपुट है, मतलब आप लोगों को दो वीडियो आउटपुट वाला ग्राफिक्स कार्ड लेना होगा कोई भी। मान लीजिए हम ये खोल GeForce का ओपन कर रहे हैं, देखिए इसमें दो आउटपुट चैनल है, मतलब एक है मेन और एक है साफ मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो इसको खरीदना पड़ेगा, इसको खरीद के आपको आपका जो PC है वो PC में लगाना पड़ेगा, PC में लगा के आप लोगों को दो मॉनिटर देना, दो मॉनिटर के साथ ग्राफिक कार्ड का लगाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप लोग
दो मॉनिटर में एक ही दिखाएगा। आप लोग इसको जब उधर डालिएगा तो राइट क्लिक करके ऑलवेज ऑन टॉप करके डालना है, तो उधर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी काम कर सकते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं। ये है बात। और एक बात जो हम छोड़ दिए है पहले चैप्टर में, वो है क्या, देखिए ये जो हर चैनल में इधर एक एक्सटर्नल व्यूज टाइप कैन हाइड बोल के दिखा रहा है, हर चैनल में दिखा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करके कैन हाइड कर देते हैं तो इधर एक जस्ट स्लैश टाइप का सिम्बल आ जा रहा है, स्लैश टाइप का सिम्बल आ जा रहा है अगर कैन हाइड कर देंगे तो। तो ये क्या है, इसको सिलेक्ट करके हम इस चैनल को हाइड भी कर सकते हैं, मतलब चैनल इधर से दिखाएगा नहीं। हो सकता है कुछ कुछ टाइम पर ये काम में लगता है, मतलब कौन सा हमारा पर्सनल हम कैसे इफेक्ट डाला है तो हम दूसरा आदमी को दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए ये कैन हाइड करके अगर इधर से आप लोग क्लिक कर देंगे तो वो दो चैनल ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा मतलब हाइड हो जाएगा। अगर जो देखना चाहते हैं, अगर किसी का ये इसका ऊपर अगर आइडिया होगा नहीं तो वो देख नहीं पाएगा चैनल को। तो इसको फिर से क्लिक करने से आ जाएगा और इधर से क्लिक करके हम लोग फिर इसको कैन हाइड को ऑफ कर सकते हैं। ये है मिक्सर का दो नंबर चैप्टर। दो नंबर चैप्टर जो है बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए हो रहा है, और हम लोग क्या क्या इफेक्ट डाला है, क्या क्या दिया है, ये थोड़ा जानने के लिए ये चैप्टर आपको ध्यान में देखना, ध्यान कर देखना होगा। तो फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, हम पूरा तीनों में और एक ही चैप्टर बाकी है निवेंडो मिक्सर का, तो तीन चैप्टर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो दो चैप्टर तो हो गया, आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, आपका पास जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट खोल कर देखिए क्या हो रहा है, उसमें इधर से फॉलो कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो ये पहले देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा हमको कमेंट भेजिए, नहीं तो नीचे में हमारा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको बोल देंगे कैसे इसको ठीक करके करना है। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम पूरा ये चैनल में पूरा जितना सारा साउंड रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग कीबोर्ड प्लेइंग, वो भी हम सिखा देंगे, क्योंकि कीबोर्ड प्लेइंग का क्लास हम जल्दी शुरू करने वाला है। कीबोर्ड प्लेइंग कैसे करते हैं और उसका नोटेशन कैसा होता है, और नोटेशन करके अगर आप लोगों को नोटेशन भी चाहिए, वो कैसे कौन सा गाना का चाहिए, वो भी हमको कमेंट कीजिएगा, ये गाना का नोटेशन हमको चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको नोटेशन देने का। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।